What makes Breaking Bad, Breaking Bad? आखिर क्यों इसे one of the greatest shows ever माना जाता है? Well, पहला reason तो यह है कि हम टीवी पे ड्रग्स से रिलेटेड कुछ भी देख लेते हैं आजकल, चाहे वो न्यूज में हो या फिक्शनल शो में. इससे पहले कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, आइए डिकोड करते हैं ब्रेकिंग बैड के सक्सेस को. ...2008 से 2013 के बीच में शो के 5 सीजन रिलीज हुए हैं और कुल मिला के 62 एपिसोड्स हैं. कुछ फैंस ये भी कहते हैं कि 62 एपिसोड्स के अंदर भी एक ईस्टर एग छुपा हुआ है. पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 62 समेरियम का, और समेरियम वो एलिमेंट है जिसे लंग कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है. और जैसा आप सब जानते हैं, लंग कैंसर इस शो का मेन प्लॉट पॉइंट है. वॉल्टर वाइट, जो कि एक स्कूल में केमिस्ट्री के सीधे साधे टीचर हैं, उन्हें अपने 50th बर्थडे पे पता चलता है कि उन्हें लंग कैंसर है. अपने ट्रीटमेंट की कॉस्ट को कवर करने के लिए और अपनी फैमिली का फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए वो एक एक्स स्टूडेंट जेसी पिंकमैन के साथ क्रिस्टल मेथ बनाने का इलीगल काम शुरू करते हैं. पहले 3 सीजन तक ब्रेकिंग बैड की व्यूअरशिप ठीक ठाक थी, पर 4th और 5th सीजन के दौरान इसकी व्यूअरशिप आसमान को छूने लगी, क्योंकि 3rd सीजन के बाद ये शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने लगा, जिससे दुनिया के हर कोने में लोग इसे देख सकते थे. इस फिनोमेना को वॉक्स नेटफ्लिक्स इफेक्ट भी कहता है, और वैसे मेरी मम्मी भी मेरे डार्क सर्कल्स को नेटफ्लिक्स इफेक्ट कहती है. पर जितना क्रेडिट नेटफ्लिक्स को ब्रेकिंग बैड की पॉपुलैरिटी के लिए दिया जाता है, उससे कहीं गुना ज्यादा क्रेडिट इस शो के क्रिएटर विंस गिलिगन को जाता है. विंस भाई साहब ने टीवी जंकीज के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो हर मामले में सुपीरियर था. ब्रेकिंग बैड में बाकी वेब सीरीज की तरह कोई हीरो नहीं था, इस सीरीज में एक एंटी हीरो था. बल्कि एंटी हीरो या एंटी हीरोइन स्टोरी के वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें ट्रेडिशनल हीरोज की तरह सिर्फ अच्छी क्वालिटीज नहीं होती, इनके मॉरल्स थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं हमारी तरह. और ऊपर से एंटी हीरो को इस तरह से लिखा जाता है कि ऑडियंस पूरे शो के दौरान उनके लिए रूट करे, उन्हें सपोर्ट करे. तो सवाल ये उठता है, लोगों को एंटी हीरो इतने पसंद क्यों आते हैं? एक्चुअली बात ये दोस्तों, एंटी हीरो हमारे बीच में से ये कैरेक्टर जैसा होता है. एंटी हीरो का साइकी टिपिकल बॉलीवुड विलन की तरह नहीं होता कि किसी को भी बिना वजह यहाँ पर मगरमच्छ के तालाब में गिरा दिया. पर स्क्रीन पे दिखाए गए अधिकतर एंटी हीरोज हमारे समाज के ऐसे चेहरे हैं जो सिस्टम से लड़ते लड़ते थक गए हैं, और इसलिए अब वो ऐसी राह पर चल रहे हैं जो मॉरली शायद ठीक नहीं. जैसे वॉल्टर वाइट एक टूटे हुए हेल्थ केयर सिस्टम से परेशान है, क्यों मैं अपने इलाज कराने में अपनी सारी सेविंग्स वेस्ट कर दूं जबकि मैं क्रिस्टल मेथ बनाकर पैसे कमा सकता हूं और उसके लिए पे कर सकता हूं. कई एंटी हीरोज भी ठीक इसी तरह से सोचते हैं. जैसे गॉडफादर में माइकल कोरियोनी अपने पापा वीटो के बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, इनफैक्ट वो दूर ही रहने की कोशिश करता था. पर जब उसे पता चला कि किसी ने उन पर गोली चला दी है, तो माइकल को मजबूरन इस धंधे में घुसना पड़ा. ऐसे में जो व्यूअर की सिंपथी होती है वो माइकल के साथ चली जाती है, चाहे अब वो 10 खून क्यों ना कर दें यहाँ पर. वैसे इस शो को देखकर आप कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन पे 2-4 रिसर्च पेपर्स तो लिख ही सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारे ये डेली सीरियल्स में भी देखने को मिलता है, कभी कोई बहू नागिन बन जाती है तो कभी खरगोश बन जाती है. पर मैं इस कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा, इसे तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा. सिंपल भाषा में कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन किसी शो के दौरान एक कैरेक्टर की सोच के अंदर बदलाव को कहा जाता है. इस शो के राइटर्स ने बड़े बखूबी हमें दिखाया था कि कैसे वॉल्टर व्हाइट का कैरेक्टर धीरे धीरे हाइजेनबर्ग में बदल जाता है. अगर चाहते तो वॉल्टर कुछ पैसे कमाकर इस इलीगल बिजनेस से निकल सकते थे, उनके पास कई ऐसे मौके आए थे, पर हर बार वो इसे टाल देते थे, कभी ग्रीड की वजह से तो कभी किसी और चीज की वजह से. सीरीज के एंड तक हमें समझ आने लगा था कि वॉल्टर इस बिजनेस में किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए आए हैं. उन्हें अपने बनाए प्रोडक्ट पे धीरे धीरे इतना गर्व होने लगा था कि वो इसी कारण से मेथ के बिजनेस में और धंसते चले गए. शो के आखिरी सीजन में हम देखते हैं कि वॉल्टर व्हाइट के अंदर से वॉल्टर व्हाइट खत्म हो जाता है और सिर्फ हाइजेनबर्ग ही बचता है. वॉल्टर के ड्रग लॉर्ड बनने तक का जो सफर है और उसके बाद जो फॉल है इनकी, उसे ऑजीमैंडिया से कंपेयर किया जा सकता है. सीजन 5 एपिसोड 14 का टाइटल था ये ऑजीमैंडिया. असल में पर्सी विश शेली की एक मशहूर पोयम का नाम है जिसमें एक बहुत ही पावरफुल किंग और उसके एम्पायर की फॉल की बात हुई. काफी क्रिटिक्स इस एपिसोड को टीवी हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट एपिसोड भी मानते हैं. जेसी पिंकमैन का ड्रग एडिक्ट से क्लीन होने तक का सफर भी अपने आप में एक अलग ही शो है, और इन ट्रांसफॉर्मेशंस को इतनी संजीदगी से पेश किया गया है कि आपको किसी भी कैरेक्टर का कोई भी एक्शन आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेगा. स्टोरी के अलावा ब्रेकिंग बैड अपने पिन पॉइंट डायलॉग्स पर भी बहुत निर्भर करता है. आई एम द वन हु नॉक्स पर आज भी मीम्स बनते हैं, या फिर से माई नेम ही देख लो,
कितना छोटा सा डायलॉग है, पर जब भी आप इसे याद करते हैं पूरा का पूरा सीन आपकी आंखों के सामने आ जाता है। कम डायलॉग या टू द पॉइंट डायलॉग लिखना भी एक अपने आप में एक आर्ट है। अगर आप किसी भी चीज को सिर्फ 3 शब्दों में कह सकते हैं तो 10 शब्दों का इस्तेमाल करना वेस्ट ऑफ स्क्रीन टाइम है, यानी स्क्रीन टाइम की वेस्टेज है, यानी स्क्रीन टाइम है जो उसको वेस्ट किया जा रहा है, उसकी वेस्टेज होने लग रही है। समझ गए ना आप क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्योंकि इस शो का प्रोटैगनिस्ट एक केमिस्ट्री टीचर है और इस शो का मेन प्लॉट पॉइंट क्रिस्टल मेथ को बनाना है, तो इस शो के पीछे का जो साइंस है उसे सटीक होना बहुत जरूरी था। पर ब्रेकिंग बैड में साइंस का इस्तेमाल सिर्फ क्रिस्टल मेथ बनाने या उसे बनते हुए दिखाने में नहीं किया गया। कुछ एपिसोड्स का तो कॉन्फ्लिक्ट ही साइंस से रिजॉल्व होता है। राइटर्स अक्सर प्रोटैगनिस्ट को ऐसी सिचुएशन में डाल देते थे जहां से बच के निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, और वहां से निकलने के लिए साइंस की हेल्प ली जाती थी, चाहे वो लैपटॉप उड़ाने वाला एपिसोड हो या आरवी का रेगिस्तान के बीचों बीच बंद हो जाना या रेड फॉस्फोरस यूज करके लोगों को मारना। वॉल्टर और जेसी ने साइंस का इस्तेमाल हर मोड पर किया है। एक्चुअली मेथ बनाते वक्त या लैब दिखाते वक्त ब्रेकिंग बैड ने अमेरिका की DEA यानी ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी को भी कंसल्ट किया था ताकि वो एक्सीडेंटली असली रेसिपी लीक ना कर दे। चलो साइंस की बात बहुत हो गई दोस्तों, थोड़ी रंगीन बातें करते हैं। विंस गिलिगन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब भी वो किसी कैरेक्टर की मानसिक परिस्थिति के बारे में सोचते थे तो वो पहले ये सोचते थे कि उस कैरेक्टर ने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं। कपड़ों के रंग से भी आप एक इंसान की साइकोलॉजी समझ सकते हैं। इन कलर्स के पीछे की सिंबोलिज्म को समझने के लिए हमने बात करी एक एक्सपर्ट गेस्ट से। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ दीवान से, जो कि एक सिनेमाटोग्राफर हैं जिन्होंने क्वीन, ट्रैप्ड और बुलबुल जैसी पिक्चरों को शूट किया था। जब हम एक कैरेक्टर के कपड़े देखते हैं तो उससे व्यूअर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके जो कपड़ों का कलर होता है? कपड़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फिल्म्स में, लाइक यू नो व्हाट यू मेक देम वेयर कैन कम्प्लीटली चेंज योर परसेप्शन ऑफ द कैरेक्टर। कि तुमने किसी को बहुत डार्क सॉलिड कपड़े दिए हुए तो यू कैन मेक द कैरेक्टर फील मोर ग्राउंडेड एंड मोर श्योर अबाउट हिमसेल्फ और सेल्फ, एंड वेयर एज अ लाइटर पैलेट इन क्लोथ्स कुड मेक योर कैरेक्टर फील मोर अप्रोचेबल, मोर ओपन, मोर जॉयस। आप एग्जांपल दे सकते हो किसी रीसेंट मूवी का जहां आपको लगा हो बॉलीवुड में कि कलर सिंबोलिज्म का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया? लाइक आई रिमेम्बर लुटेरा, ऑल द बंगाल पार्ट, यू नो व्हेन द लव स्टोरी इज ब्रूइंग अप एंड ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग, देयर सच वार्म ह्यूज व्हिच आल्सो मेबी रिप्रेजेंट्स मेबी बंगाल इन अ सर्टेन वे। यू नो दीज आर कॉन्शियस डिसीजंस प्रोबब्ली फिल्म मेकर इज मेकिंग फ्रॉम द राइटिंग स्टेज, दैट आई वांट टू रिप्रेजेंट अ सर्टेन टाइम in the film with representative certain colors, and the moment you go in the mountains it'll go more like, you know, desat, it'll go become more colorless and more blue. I think Lutera had done it very, Vikram had done it very interestingly. Agar maan lo ek character hamesha grey t-shirt pehne rakhta hai to kya usse matlab nikala ja sakta hai? Agar character ne grey t-shirt पहना है और पीछे दीवारों का कलर भी ग्रे है और बाकी कैरेक्टर्स का कलर भी ग्रे है, देन इट कुड रिप्रेजेंट समथिंग लाइक, यू नो, द कैरेक्टर इज मर्जिंग विद द बैकग्राउंड, द कैरेक्टर इज मे बी आई डोंट नो लूजिंग कंट्रोल, और मे बी ही इज पार्ट ऑफ अ कॉमन थिंकिंग, लाइक यू नो ही इज पार्ट ऑफ अ वेव। नाउ यू दैट सेम ग्रे कलर यू पुट इन अ एनवायरनमेंट व्हिच इज विद अ लॉट ऑफ कलर्स, ही इज popping out but not with color, but because there's a lack of color, because everything else around him is has a lot of color. Now that can mean different, that can mean that probably your character is weak, he's not good enough, or maybe he probably occupies a lower status in the space that he is present in. क्योंकि मैं अपने वीडियोस में हमेशा प्लेन टी-शर्ट पहनता हूं और ग्रे बैकग्राउंड होता है। या मे बी यू शुड चेंज इट नाउ। क्लिफ हैंगर्स की बात करें तो इस शो में बाकी नेटफ्लिक्स शोज की तरह बहुत सारे क्लिफ हैंगर्स हैं। क्लिफ हैंगर्स के अलावा एक और टूल है जो इस शो के राइटर्स और एडिटर्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया है, वो है टीजर। इंडिया में भाई की एंट्री से पहले वाले सीन को टीजर बोलते हैं, पर स्क्रीन राइटिंग में टीजर की डेफिनेशन कुछ और। काफी सारे एपिसोड्स के ओपनिंग सीन में हमें क्लाइमैक्स या 5-6 एपिसोड के बाद के सीन दिखाए जाते हैं जो कि करंट टाइमलाइन से एकदम अलग होते हैं। टीजर का सबसे बढ़िया एग्जांपल तो पायलट एपिसोड में ही था। पहले सीन में ही हम एक चश्मा लगाए वॉल्टर को किसी पे बंदूक ताने देखते हैं, और वो भी सिर्फ एक अंडरवेयर में, और उसके बाद एपिसोड नॉर्मली शुरू हो जाता है जहां वो अपना नाश्ता वगैरह कर रहा था। दोस्तों सोचिए, अगर ये टीजर ना होता और आप सीधा ही नाश्ते वाला सीन देख रहे होते तो थ्रू आउट द एपिसोड क्या आप इतने क्यूरियस रहते?
शायद नहीं, या टूगो के शब्दों में कहूं तो ये टीजर वाला फंडा तो बहुत ही टाइट 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 है। ब्रेकिंग बैड की रिलीज के बाद शो का टेम्पलेट काफी शोज ने फॉलो किया है, ओजार खो या फार्गो, हर जगह आपको ये सीधा साधा कैरेक्टर मिलेगा जो ड्रग्स या अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फंस चुका है और वहां से निकलना चाहता है, पर हजारों कोशिशों के बाद भी वो उस दुनिया में और अंदर घुसता ही चला जाता है। लेकिन कोई भी शो ब्रेकिंग बैड जितना पॉपुलर नहीं हो पाया। शायद विंस गिलिगन ऐसे शोज को देखकर सोचते होंगे, स्टे आउट ऑफ माई टेरिटरी। ब्रेकिंग बैड की कास्टिंग शायद वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग एवर है। वॉल्टर व्हाइट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर ब्रायन क्रांस्टन। बाहर हाइजेनबर्ग और घर में वॉल्टर, दोनों ही पोर्ट्रेयल अपने आप में एक्टिंग की एक मास्टर क्लास है। उनकी एक्टिंग को देखकर सर एंथनी हॉपकिंस तक ने बोल दिया था, योर परफॉर्मेंस एज वॉल्टर व्हाइट वॉज द बेस्ट एक्टिंग आई हैव सीन एवर। और सिर्फ ब्रायन क्रैंस्टन ही नहीं, उनके स्टूडेंट जेसी पिंकमैन के रोल में एरन पॉल ने भी बहुत ही शानदार एक्टिंग करी है। कैसे एक ड्रग एडिक्ट और सप्लायर के अंदर भी इतनी सारी लेयर्स हो सकती हैं, इसका पोर्ट्रेयल एरन ने बखूबी करके दिखाया। यहां तक कि इस शो के साइड कैरेक्टर्स भी बहुत ही पॉपुलर हुए, चाहे टॉड हो या स्किनी पीट या सॉल गुडमैन। इनफैक्ट सॉल गुडमैन के अराउंड तो एक स्पिन ऑफ शो भी बन गया है, बेटर कॉल सॉल, जिसके 5 सीजन ऑलरेडी आ चुके हैं। कुछ लोग तो इस शो को ब्रेकिंग बैड से भी ज्यादा पसंद करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जेसी पिंकमैन की दुनिया भी नेटफ्लिक्स ने पिछले साल अपनी मूवी एल कमीनो में एक्सप्लोर करी थी। दोस्तों, ड्रग्स से रिलेटेड या ड्रग बस्टिंग रैकेट से रिलेटेड हमारे इंडिया में न्यूज तो बहुत सुनने को मिलती है, लेकिन ड्रग ट्रेड को प्रोसीजरली हमारे यहाँ बहुत ही कम दर्शाया गया। हमारे सिनेमा में अक्सर देखा जाता है कि ड्रग ट्रेड विलन्स का साइड बिजनेस होता है, मेन बिजनेस फिरौती या किडनैपिंग होता है। इस चीज पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक स्पेशल गेस्ट। आज हम बात कर रहे हैं आलोक लाल जी से, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं और ऑथर भी हैं किताब बाराबंकी नार्कोस, बस्टिंग इंडियाज मोस्ट फेमस नोटोरियस ड्रग कार्टेल। तो जनरली जब ये ड्रग रैकेट आप बस्ट करते हैं तो इसमें जो लीड्स होती हैं कैसे मिलती हैं? मूवीज में दिखाते हैं कि कोई साइड में किसी की रेडी लगी हुई है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, क्या रियलिटी में भी ऐसा ही होता है? बाराबंकी में हम लोगों ने रिकॉर्ड हॉल किया ओपीएम का, अभी तक वो रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है 14 मीटर ओपीएम का। तो उस दौरान जो मुझे इन्फॉर्मेंट्स मिले वो विक्टिम्स थे, जो ड्रग के विक्टिम्स थे, वो मेरे पास अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आए और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते करते मुझे ऐसा लगा कि वो लोग मुझे बहुत कुछ बता सकते हैं। तो जनरली ये जो हायरार्की होती है, इस पे टॉप पे जो लोग होते हैं वो किस टाइप के लोग होते हैं क्रिमिनल्स? फिल्मों में बड़े ही इम्प्रेसिव लोग दिखाते हैं, जिनकी अमरीश पुरी जैसी आवाज होती है, हाँ, या जो देखने में गब्बर सिंह जैसे लगते हैं, अमजद खान, हाँ, जैसे, ऐसे नहीं होते, लेकिन जो होते हैं बिल्कुल जैसे आमतौर पर लोग मिलते हैं हर जगह। इतना जरूर है कि वो औरों से ज्यादा तेज होते हैं, उनकी जो एजुकेशन एंड हाउ टू डू क्राइम वो बहुत अच्छी होती है। दे कैन रन यूनिवर्सिटीज देमसेल्व्स, वाइस चांसलर बन सकते हैं उस यूनिवर्सिटी के जहां पर क्राइम करना सिखाया जाता है। ब्रेकिंग बैड में ये भी दिखाया गया है कि बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं, ये तो ये भी होता है रियलिटी में? ब्रेकिंग बैड में जो दिखाया गया है वो गलत नहीं है एक्चुअली। बाराबंकी का मेरा एक्सपीरियंस है, और जगह भी मैंने देखा है, सुना है कि औरत और बच्चे इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने एक आध केस ऐसा भी हमारी महिला कॉन्स्टेबल्स ने पता लगाया जिसमें औरत देखने में प्रेग्नेंट लग रही है, इस तरह से पेट पर उसने सामान बांध रखा है कि वो देखने में प्रेग्नेंट लगती है, तो उसको रोकना, उससे पूछताछ करना अपने आप में थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर हो जाता है। हाँ, लेकिन हाँ, हम लोग ढूंढ पाए ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह से छुपाया था औरतों ने, तो बच्चों और औरतों का इस्तेमाल होता है। तो ब्रेकिंग बैड में दिखाते हैं कि यूएस की ड्रग ट्रेड यूरोप से लिंक हो रही है, तो क्या आपने देखा है कि इंडिया में जो ड्रग ट्रेड चलने लग रही है ये इंटरनेशनली लिंक्ड है या फिर ये सब लोकलाइज्ड ऑपरेशन होने लग रहे हैं? इंटरनेशनल मार्केट बहुत है इसका, दैट इज व्हाई द प्राइस इज सो हाई, कि जो अच्छा, पैदा करने के बनाने की यहाँ पर अगर 100 रुपया लगता है तो बाहर 1,000-10,000 गुना तक बिक जाता है। मेरी किताब में मैंने मेंशन किया है कि यूएसए के जो डिस्कोथीक्स हैं वहां पर हमारी जो बाराबंकी की ओपीएम है वहां तक पहुंचती थी, और दे नो द नेम ऑफ बाराबंकी फॉर दिस रीजन के बाराबंकी की ओपीएम की एक अलग खुशबू, एक अलग रंगत होती है, तो उसको वो पहचानते हैं। ब्रेकिंग बैड जैसे शोज देखकर आपको मजा तो आता है पर हल्की सी शर्म भी आती है, क्या दुनिया क्या क्या अमेजिंग शो बना रही है और हम यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसी फीलिंग हर शो को देखकर नहीं आती।
वैसे तो कोई भी शो परफेक्ट नहीं होता, हर चीज में इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है, पर एग्जाम में अगर किसी ने आपसे पूछा कि एक परफेक्ट शो बताओ, तो आंख बंद करके आप ब्रेकिंग बैड लिख दो, क्योंकि आज की तारीख में ब्रेकिंग बैड एक नियर परफेक्ट शो है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो नीचे कॉमेंट्स में आई एम द वन हु नॉक्स लिखिए, और हमें बताइए कि अगला शो कौन सा डिकोड करना चाहिए। तब तक के लिए से माय नेम, मेरा मतलब है धन्यवाद।